देश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गी रिट्टा ने हरिद्वार जनपद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री भारत सरकार ने हरिद्वार आकांक्षी जनपद हरिद्वार में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री मार्गी रिट्टा ने नीति आयोग के तहत चल रही योजनाओं के प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक सुझाव दिए। मंत्री ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन परियोजनाओं और योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जिनमें किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है और जिनमें आवश्यक पहल की आवश्यकता है। इस अवसर पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश झबरेड़ा, विधायक वीरेंद्र जाति सहित जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कॉम्पिटिटिवली अंडर डेवलप्ड है, सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था। और मुझे बहुत खुश हो, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके हरिद्वार में, ये हरिद्वार ये जो 112 जिले हैं उनमें से पास होके ये इट विल बी बिकमिंग एन अ डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द मिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट। सो इन मैनी वर्टिकल्स, मैनी की इंडिकेटर्स, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हैज़ इवन क्रॉस द बेंचमार्क ऑफ नेशनल लेवल। सो इन एवरी सेक्टर, राइट फ्रॉम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिनेंशियल इंक्लूजन, सभी में हरिद्वार जिला आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं अधिकारीगण, स्पेशली DM एंड हिज टीम और परमादरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और सभी को, सभी